गुलाबो, वो देख बच्ची रो रही है, जाओ उसे चुप करवा। मुन्नी को जाके आप ही चुप करवा लीजिए ना, मैं मेकअप कर रही हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा। गुलाबो, मेकअप बाद में कर लेना तू, वो देख मुन्निया कितनी रो रही है, तू जाके उसे चुप कर। आप ही जाके चुप करवाइए, मैं क्यों चुप करवाऊँ, वैसे भी बेटी तो आप ही की है ना। गुलाबो ये तू क्या बोल रही है, वो तेरी भी तो बेटी है। खबरदार जो से मेरी बेटी का, पैदा होते ही जो बच्ची अपनी माँ को खागी वो मेरी बेटी कैसे हो सकती है। गुलाबो तू से क्यों कोस रही है, उस बेचारी की इसमें क्या गलती है। ले गुलाबो तू इसे अपनी गोद में ले, देखना ये तेरी गोद में आती कैसे चुप हो जाएगी। आप ही लीजिए इसे गोद में, मुझे इसे गोद में लेने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी मेरी गोद में तो वो बच्ची बैठेगी जो मेरी कोख से जन्म लेगी, समझे आप। गुलाबो ऐसी बातें नहीं करते हैं, तुझे पता है मुन्नी को माँ की सख्त जरूरत है, अभी इसे भूख लगी हुई है, ले तू इसे दूध पिला दे। रहने दो जी, मुन्नी को अपने पास ही रखो, और दूध भी ना आप ही पिला दो इसे। गुलाबो इतनी पत्थर दिल मत बन, माँ तो माँ होती है, और बेटी चाहे पराई हो या अपनी, माँ को उसे स्वीकार करना चाहिए। अरे मुन्नी को तो बुखार है। अरे हाँ मुन्नी को तो बुखार है, गुलाबो तू इसे पकड़, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ चारपाई पे रख दो इसे। ठीक है गुलाबो, मगर ये तू जो कर रही है ये अच्छा नहीं है। वैसे आज अच्छा मौका है इस बला से पीछा छुड़ाने का, इसे ना गला दबा के मार देती हूँ और किसी को शक भी नहीं होगा, सब समझेंगे कि बीमार है इसलिए बीमारी से मर गई। जा अब तू भी अपनी माँ के पास चली जा, और वैसे भी तू जिंदा रहकर यहाँ करेगी क्या, तुझे मैं कभी सुख तो दूंगी नहीं, उल्टा तुझे दुख ही दूंगी, और बार बार ना दुख सहने से अच्छा है कि तू एक ही बार कष्ट सह ले और अब तुझे मुक्ति मिल जाएगी। गुलाबो तू ये क्या कर रही थी, बच्ची का गला दबा रही थी। नहीं नहीं जी, बच्ची रो रही थी ना इसलिए मैं उसे चुप करवा रही थी। झूठ नहीं गुलाबो, झूठ नहीं, ये तो मैं टाइम पे आ गया, वरना तू मुन्नी को आज। अरे जालिम, मैंने तुझसे दूसरी शादी इसलिए की थी कि मुन्नी को उसकी माँ का प्यार मिले, पर तू तो डाइन निकली डाइन, इस बेचारी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू उसे मारने पे तुली थी। अब तू मेरे घर में एक मिनट नहीं रुकेगी, चल मेरे घर से निकल। नहीं जी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई जी, मुझे घर से मत निकालिए। गलती तो मुझसे हो गई थी जो मैंने तुझसे शादी की, चल निकल मेरे घर से। नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में जो मैंने किया है वो बहुत ही गलत किया है, बेटा और बेटी एक समान है, हमें बेटियों को भी बेटों के समान बराबर अधिकार देना चाहिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।